नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुर मैथी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने कल देखा होगा गुजरात में किस तरह से बारिश के साथ विपर्जय बादल है, तो किस तरह से गुजरात की सीमाओं पर टटक गया, यानी कि टकरा कर इतना खतरनाक हो गया, जिससे कि आपने वीडियो देखे होंगे कई बार, जिस वीडियो के तहत आपने देखा होगा कि इतना भयानक बादल था और वो गुजरात को आखिरकार टकरा भी गया। इतना नुकसान हो गया, कई पेड़ भी गिर गए हैं, लोगों को भी वहाँ से पहले से ही अलर्ट मोड पे होते हुए उनको शिफ्ट किया गया था, इसलिए कई लोगों की जान बच गई। तो कई बार अभी उधर जो हालात हुआ है आपने देखा होगा किस तरह से है, और आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से हालात हो गए थे। गुजरात में बहुत तेज़ी से बादल आने की संभावना पहले बताई गई थी, यानी कि पर्यावरण की जो भी लोगों के थे उनको साथ बताया गया था, और उन्होंने जो कहा उसी तरह से बादल गुजरात को टकरा गया, और लोगों की तो छोड़ो, लोगों के साथ हर किसी प्रॉपर्टी, यानी कि एक शॉप हो, घर हो, जिनकी बहुत बेहतरीन तरह से उनका नुकसान हो गया। आपने वीडियो अगर देखे कि बादल का स्पीड 155 किलोमीटर पर आवर था, जैसे कि आपने कई वीडियो देखे, स्क्रीन पर भी आप देख सकते, बहुत खतरनाक बादल था गुजरात का, और ये विपर्जय बादल जैसा था पहले से कहा गया था कि आने वाला है, और आखिरकार गुजरात की सीमाओं पर जाके टकरा गया। दोस्तों, जिसी का इस बादल में नुकसान हुआ है उनको सरकार जल्दी से मदद करेगी, यह अपेक्षा करते हैं, और जिनका नुकसान हो गया है वो, और जिनकी आपत्ति हो गई उनको जल्दी से नुकसान भरपाई मिल जाएगी, और उनके साथ हम लोग सब खड़े हैं। तो गाइस, आपको इस बादल के बारे में अगर कुछ राय है तो कमेंट में कमेंट कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।